आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के लिए बायर ढूंढ रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, या सप्लायर ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको कहां से मिलेंगे, गवर्नमेंट की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक्सपोर्टर और इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट, आप सबका हमारे चैनल एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल में स्वागत करता हूं। बट ये बताने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन भी चलती है, और लगातार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियोस भी डलते रहते हैं। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आज ही कॉल करके हमारे अगली ट्रेनिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कौन सी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन मुझे बायर या सेलर ढूंढने में हेल्प करती है। सबसे पहली चीज दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं चैंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में। बहुत से लोग नहीं जानते कि चैंबर ऑफ कॉमर्स है क्या। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करो तो इट इज़ लाइक अ कम्युनिटी, एक बिजनेस कम्युनिटी, एक तरीके से एक नेटवर्क, या कह सकते हैं एक मैनेजमेंट या एक बोर्ड, जो कि इंडिया के ट्रेड को बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा, आपके ट्रेड को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। यानी एक तरीके से गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जो सिर्फ एक ही काम करती है कि किसी भी तरीके से आपका ट्रेड ग्रो करे, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब प्रोवाइड की जाए। अब देखिए, सपोज कीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ। हम जब भी किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई एसोसिएशन होती है, छोटी छोटी एसोसिएशन होती है। ऐसी छोटी एसोसिएशन के ऊपर एक बड़ी एसोसिएशन होती है, फिर ऐसी कुछ बड़ी एसोसिएशन के ऊपर एक बहुत बड़ी एसोसिएशन होती है। तो स्टेप बाय स्टेप ये एसोसिएशन टू एसोसिएशन, ये चैम्बर टू चैम्बर, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जिससे कि एक बिजनेसमैन आगे बढ़ सके और देश की ग्रोथ हो सके। सबसे पहले बात करते हैं ये हमें किस तरीके से हेल्प करती है। जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई, ये आपको बायर सेलर्स का डेटा भी प्रोवाइड करते हैं, और समटाइम्स ये बायर सेलर मीट भी ऑर्गेनाइज करती हैं। ये बायर सेलर मीट तो ऑर्गेनाइज करती ही करती है, ये एग्जीबिशंस भी ऑर्गेनाइज करती है, ये सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करती है, ये इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती है, समटाइम्स वर्कशॉप भी करती है, और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ये गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब सबसे पहली एक चीज़ और बताते हैं, मेन इनका रोल क्या होता है। देखिए, ये आपको आपके बिजनेस के लिए असिस्ट करेंगे, यानी इन शॉर्ट इनका जो मेन रोल है वो कॉमर्स, ट्रेड या इंडस्ट्री को डेवलप करना है। साथ के साथ ये आपको कंप्लाइंसेस में भी सपोर्ट करती है। जैसे सपोज करिए कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं पता, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड लाइसेंस के बारे में नहीं पता, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन से देश के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये भी आपको असिस्ट करेंगी। साथ के साथ ये अपने मेंबर को हर तरीके के बिजनेस की या उनसे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे सपोज करो अगर मेरा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है तो ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन देगी। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई भी बिजनेसमैन इनकी मेंबरशिप ले सकता है इजीली। अब सबसे बड़ी चीज, जिस अकॉर्डिंगली आप बायर ढूंढना चाहते हैं, जिस अकॉर्डिंगली आप हेल्प चाहते हैं, ये आपको उस अकॉर्डिंगली हेल्प करेगी। अब आप कहेंगे सर कैसे। देखिए, सबसे पहली चीज, एक बात मान के चलिए, मैं किसी सिटी में रहता हूं और उसमें मैं किसी टाउन में रहता हूँ। अब सपोज करिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक टाउन में अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, मुझे वो डेटा चाहिए, तो उस टाउन की भी आपको अलग से एक छोटी लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिल सकती है।
बहुत आसान है, गूगल पे सर्च करिए, आपको इजीली मिल जाएगी। ऐसी एसोसिएशंस बहुत है। अब जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में बकायदा बनी हुई है दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी वो स्टेट वाइज बनी हुई है। ऐसे ही अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना हुआ है, आप राजस्थान में हैं राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना हुआ है। तो हर तरीके के, हर स्टेट वाइज भी आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिल जाएगी। उसके बाद हम और ऊपर जाते हैं, तो और ऊपर में हमें पूरे इंडिया का नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिल जाता है। और उसके बाद हम अगर और ऊपर जाते हैं तो हमें इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिल जाता है। यानी सारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक दूसरे से रिलेटेड है और इनका मेन पर्पस यही है कि मिलजुल कर बिजनेस को ग्रो करना। बहुत नॉमिनल फीस होती है, ख़ास तौर से और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे फिक्की हो गया, और जैसे मैं बात करूँ एसओचएम हो गया, तो ये सारा पर्पस ऐसे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक जाता है। और साथ के साथ ये हेल्पफुल होता है बिजनेस के लिए, चाहे मुझे सप्लायर चाहिए और चाहे मुझे बायर चाहिए। और एक एडवांटेज जो सबसे बड़ा एक इनके साथ ये है जुड़ने का, कि मोस्टली इनके पास जो डेटा होता है, चाहे वो बायर का हो या सप्लायर का हो, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। एक बात बताओ, हम जब किसी बायर को टारगेट करें या किसी सप्लायर से माल लेने के बारे में सोचें, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है? तो एक एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा कि आपके लिए जो बायर और सेलर की ऑथेंटिसिटी भी ये क्रिएट करके देते हैं। इवन अगर इन केस कोई डिस्प्यूट भी होता है, कोई एरर भी जनरेट होता है, तब भी ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत हेल्प करती हैं आपके डिस्प्यूट को सॉर्ट कराने के। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ रहती है कि बिजनेस शुरू करना है, हमें कोई फ्री के रास्ते बताओ। फ्री के रास्ते ज़रूर हैं, लेकिन फ्री के रास्ते में आपको समय ज़्यादा लगेगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो यार, नॉर्मली अगर मुझे ट्रैवल करना है तो मैं जल्दी कैसे पहुँचूँगा? हमारे पास सबसे जल्दी तरीका पहुँचने का बाय फ्लाइट ही है ना। अगर मैं किसी देश में जाना चाहता हूँ तो अगर मैं फ़्लाइट की टिकट लूँगा तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मैं जल्दी पहुँचूँगा। और उसी तरीके से मैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अगर सपोज़ करो ट्रेन पर आ गया, कार पर आ गया या साइकिल पर आ गया, तो उस हिसाब से पैसे भले कम होंगे लेकिन टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं फ्री में काम कर सकता हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन फ्री वालों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने इतनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी कोई लाखों करोड़ों की मेंबरशिप नहीं है, बहुत नॉमिनल मेंबरशिप है, 5,000, 10,000, 15,000, वो भी एक एक साल की। अगर आप वैसे कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद सोचिए ना, 1,000 रुपये, 800 रुपये, 500 रुपये ही महीना हुआ ना, अगर मैं एक साल की इकट्ठी उठाता हूँ तो मेरा फ़ायदा कितना होगा? तो कुछ खर्चे मैं आप कहूंगा कि आप जरूर करिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच पाए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट क्वेश्चन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिए। हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा होगा उस पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.